हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गठिया यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया एक ऐसी परेशानी है जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आप ही के शरीर के सेल्स पर अटैक करने लगता है और पूरे शरीर में सूजन आने लगती है। यह सूजन सबसे ज़्यादा जॉइंट्स पर आती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा परेशानी और सूजन हाथों की उंगलियों के छोटे जॉइंट्स पर, कलाइयों पर और घुटनों पर आती है। सुबह के टाइम सारे जोड़ों में अकड़न रहती है और यह अकड़न एक घंटे बाद धीरे धीरे जॉइंट चलाने से ठीक होने लगती है। कभी ये दर्द और सूजन कम हो जाती है और कुछ समय के बाद फिर से वापस आ जाती है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है और साल में कम से कम 5-6 बार ऐसा होने के कारण पेशेंट परेशान रहते हैं। इस बीमारी में मरीज बहुत दिन तक परेशान घूमते हैं और उनका सही डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए यानी कि इस बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि CBC, ESR, CRP, NT-CCP और RA फैक्टर करवाना ज़रूरी होता है। जॉइंट के ज़्यादा खराब हो जाने पर एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। इस बीमारी का इलाज करने के लिए हमें दो तरह की दवाइयों की ज़रूरत होती है। एक तरह की दवाइयाँ दर्द कम करती हैं और दूसरे तरह की दवाइयाँ सूजन उतारती हैं। गर्म पानी की सिकाई और एक्सरसाइज से बहुत सारे मरीजों को इसमें आराम मिलता है। यह एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी की फॉर्म में सिखाई जाती है जो आपको घर पे खुद से करनी हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया वाले मरीजों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की बहुत ज़रूरत होती है। आप अपनी डाइट इम्प्रूव करें, उसमें ज़्यादा फ्रूट्स और प्रोटीन्स ऐड करें, चिकनाई, तेल, घी, इन सब चीज़ों को कम करें और शुगर को कम करें और प्रॉपर एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। यह बीमारी शुगर और BP जैसी होती है जिसको जड़ से ख़त्म कर पाना मुश्किल होता है और आपको रेगुलर दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर इलाज ना कराने पर हाथ के छोटे जॉइंट्स, कलाइयाँ और घुटनों में ज़्यादा सूजन रहती है और धीरे धीरे कर ये सूजन हड्डियों तक पहुँच जाती है और जॉइंट पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। ऐसे मरीजों को कम उम्र में ही जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। जो मरीज़ रेगुलर दवाई खाते हैं उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती है। सही ढंग से दवाई खाने पर एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपको कोई बीमारी ही नहीं है। सही इलाज लेते रहने पर इस बीमारी का असर शरीर में से कम हो जाता है और आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी पाते हैं। तो अगर आपके हाथ पैर के बहुत सारे जॉइंट्स में दर्द होता है और सुबह के टाइम अकड़न होती है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक या रूमेटोलॉजी वाले डॉक्टर को दिखाएं और अपनी दवाइयां शुरू करवाएं। इस वीडियो को ऐसे मरीजों के साथ जो जॉइंट्स के पेन से जूझ रहे हैं शेयर करें और ऐसी ही बोन और जॉइंट्स वाली बहुत सारी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।